नमस्कार, आप मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव पर। देखते हैं हमारी आज की कुछ खास खबरें। कितने लोगों का नुकसान हुआ होगा सोचकर डर लगता है, निजामुद्दीन घटना पर दिल्ली के सीएम। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने निजामुद्दीन मरकज की घटना पर कहा है, नवरात्र का टाइम चल रहा है, कहीं लोग इकट्ठा नहीं हो पा रहे हैं, मक्का खाली हो गया है, वेटिकन सिटी खाली हो गया, ऐसे में इतनी बड़ी गैदरिंग करना बिल्कुल गलत था। उन्होंने कहा, कितने लोगों को इससे नुकसान हो चुका होगा ये सोच कर भी डर लग रहा है। एक हफ्ते के अंदर दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक का दूसरा डॉक्टर कोरोना वायरस से संक्रमित। दिल्ली के बाबरपुर के मोहल्ला क्लिनिक का एक डॉक्टर कोरोना वायरस से संक्रमित पाया गया है, जिसके बाद 12 से 15 मार्च के बीच क्लिनिक पर आए इलाके के सभी मरीजों को 15 दिन तक होम क्वारंटीन में रखने का कहा गया है। पिछले एक हफ्ते के अंदर दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक का दूसरा डॉक्टर कोरोना वायरस से संक्रमित पाया गया है। भारतीय नागरिकों के कोरोना टेस्ट मुफ्त कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर। भारत के सभी नागरिकों की कोरोना वायरस की जांच मुफ्त में करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। एडवोकेट शशांक देव सुधी द्वारा दायर याचिका में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के 17 मार्च के उस फैसले पर भी सवाल उठाया गया है, जिसमें उनसे कोरोना टेस्टिंग का अधिकतम मूल्य 4,500 निर्धारित किया था। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं, प्ले स्टोर में जाकर एमएनएस हिंदी लिखे और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर हाइक और इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिलहाल वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहे एमएनएस न्यूज लाइव के साथ। नमस्कार।